थोड़ी सी मराठी उनकी अलग तरह की होगी, पुणे की मराठी अलग होती है, नासिक के गांव की मराठी अलग होगी, है ना। तो हम दो, कम से कम दो भाषा है तो आप लोग भी बोलते हैं, आप हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, जानते हैं, और अंग्रेजी तीन भाषा है तो आप सभी जानते हैं, यूं ही। तो मनुष्य स्वभाव से, प्रकृति से बहुभाषी है, हम सब किसी भी कोप में दुनिया की कोई भी भाषा बच्चों में ये ताकत हमारे जैसे से 100 गुना ज्यादा है, इसीलिए हम बार बार बच्चे बनना चाहते हैं, ऐसे सीख सकते हैं। और सारी दुनिया में जो अभी शोध हो रही है, शोध यानी रिसर्च, वही हमें बताती है। और इसमें जो शिक्षक गण अगर यहाँ बैठे हैं तो उनके ज्यादा काम की चीज है कि बच्चों का बौद्धिक विकास, यानी बौद्धिक विकास यानी क्या, मेंटल डेवलपमेंट, नर्वस डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब अपनी अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छा होता है। ये सारी दुनिया में इसको सब मानते हैं, रिसर्च हो चुकी है। और वो बच्चे जो पहले 5-10 साल अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, उसके बाद जब वो दूसरे उसके बाद दूसरी भाषाएं सीखते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं, बजाय उन बच्चों के जो शुरू में किसी दूसरी भाषा में डाल दिए जाते हैं। यानी आपकी आप अगर अपनी मातृभाषा में अभी पढ़ेंगे 5 मिनट तक या 10 मिनट तक, उसके बाद आप फ्रेंच सीखना चाहेंगे, इटालियन, स्पेनिश या संस्कृत या बांग्ला कुछ भी सीखना चाहेंगे, इंग्लिश भी, तो आप बेहतर सीखेंगे बजाय अभी के। अब ये आपके साथ उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया में बहुत ब्रेक है। तो इस बात को अगर सब समझ लें, अभी क्या है कि सबकी पूरी देश में हर स्तर पर हर वर्ग में मिला ये अंग्रेजी कैसा वो आक्रांत आक्रांत हो गए हैं, उससे अभिभूत हो गए हैं, जिनको लगता है कि बस अंग्रेजी हो जाए तो सब कुछ हो जाए, अंग्रेजी मिल जाए तो ये देश सब कुछ भी हो जाएगा, हम कुछ भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पहले क्या बोलते हैं, अंग्रेजी ना, तो अंग्रेजी सबको वैज्ञानिक तो नहीं बनाती, सबको एंटरप्रेन्योर नहीं बनाती, वो सिर्फ एक भाषा है। जो असली चीज है वो तो हमारा दिमाग है, हमारी प्रतिभा है, हमारी मेहनत है, हमारे सपने हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं वो किसी भी भाषा में बन सकते हैं, हमारी प्रतिभा को वो तो किसी भी भाषा में खेलेंगे, हमारी प्रतिभा का और अंग्रेजी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये एक मानसिकता देखभाल की बन गई है, इसलिए हम पाते हैं बेटा कि 99% अंग्रेजी माध्यम से बोलो हैं, अपनी भाषा में बोलने पर रोक बहुत दुर्भाग्य हो है। और इसका यही है कि जो भी और शिक्षा ही प्राथमिक शिक्षा यानी विद्यालय ही वो माध्यम है जो अपनी भाषाओं को हम बचा सकते हैं। और अगर हम अपनी भाषाओं को नहीं बचाएंगे तो एक मोटी बात यह है कि भारत भारतीयता नहीं बचेगी। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, एन इंग्लिश स्पीकिंग थर्ड डिग्री थर्ड क्लास थर्ड ग्रेड अमेरिकन क्लोन, या अपनी अपनी भाषाओं में मौलिक शोध, अपनी प्रतिभा और मौलिक शोध से, मौलिक चिंतन से, मौलिक तर्क से महाशक्ति, वैश्विक महाशक्ति क्या बनाना चाहते हैं भारत। आप सोचिए जिस दिन भारत के सारे बच्चे आपकी तरह कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगेंगे तो वो क्या बनेंगे। अभी तुम लोगों को क्या, आपको बियॉन्ड से ज्यादा पसंद आते हैं ना, मुझे जींस भी बहुत पसंद है और धोती भी बहुत पसंद है, दोनों साथ चल सकते हैं।
हमारे सपने बदल जाते हैं, हमारी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं बदल जाते हैं, हमारा दूसरों को देखने का नजरिया बदल जाता है। जैसी जिसकी अभी बात की और आप लोगों ने भी बात कि दूसरों को देखने का हमारा नजरिया बदल चुका है ना, अभी से, अभी हम इतने छोटे तब भी बदल गया। जो मराठी और हिंदी बोलता है उसको देखने का हमारा भाव अलग होता है। तो अभी से एक भाषा ने बच्चों को बांट दिया, ये विभाजन आगे बच्चे समाज को बांट दिया। तो भाषा बदलने से ये बढ़ती और ये पूरी तरह अंग्रेजी बहुत उपयोगी भाषा है। मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत लेकिन तौर पे इसे बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत काम की भाषा है। आज सारी दुनिया में अंग्रेजी बढ़ रही है, फैल रही है, इसलिए अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं है। अंग्रेजी से बहुत कुछ हमें मिल सकता है जो शायद मराठी और हिंदी से नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी में मौलिक ज्ञान निर्माण ज्यादा हुआ, तो ज्ञान ज्यादा है, तो वो सब हमको चाहिए, वो हम लेंगे। लेकिन हमारी जो जमीन है वो हमारी भाषा, हमारी मराठी है, हमारी हिंदी है। अपनी हम जमीन को नहीं छोड़े तो हमको आसमान के लिए जो सीखना हो, जो भाषा चाहिए हमको। हाँ, जीवन के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं? हिंदी आप सीखेंगे तो आप उनसे हिंदी में हिंदी और मराठी को एक करके बोल रहा है ना, यही सवाल मराठी के लिए भी हो सकता है। ना महाराष्ट्र में मुझे मराठी भी बहुत प्रिय है, महाराष्ट्र में पहले होनी चाहिए मराठी, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। तो आप अगर हिंदी या मराठी को अपनाते हैं तो अंग्रेजी तो आपको पहली बात ये ध्यान रखिए कि अंग्रेजी तो आपको अच्छी आएगी ही आएगी, क्योंकि आप इसको पहले से पढ़ रहे हैं। आप जहाँ उच्चतर शिक्षा में जाएंगे आप अंग्रेजी आपकी अच्छी होगी, आप अंग्रेजी से जो कुछ मिलता है वो तो आपको सब मिलेगा। लेकिन अगर आप उनकी जमीन मराठी या अंग्रेजी बनाए रखते हैं तो आप उनसे जिन्होंने नहीं किया ऐसा उनसे आप ज़्यादा मजबूत होंगे, ज़्यादा समृद्ध होंगे। आपका दिमाग, आपकी आंतरिक बौद्धिक समृद्धि जिसे कहते हैं, बौद्धिक समृद्धि यानी समृद्ध समझ गए आप लोग, मेंटल रिचेस, मेंटल प्रॉस्पेरिटी, वो ज्यादा होगा। आपके पास एक आपके सामने कई दुनिया में आप हर भाषा एक दुनिया को खोलती है। आप हिंदी में जाते हैं तो हिंदी की बहुत बड़ी दुनिया है जो आपके लिए खोलती है। मराठी में आप जाते हैं, गहरे जाते हैं तो मराठी की बहुत बड़ी दुनिया आपके लिए खुलती है। और इस धरती की भाषा महाराष्ट्र में अगर हमें तो महाराष्ट्र ने पिछले कई हजार वर्षों में जो कमाया है तो जो चीज़ें महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाती है वो तो कभी मराठी नहीं हो सकती। हम ये तय करना कि हमें उनसे टक जाना है, उनको छोड़ देना है, वो किसी काम की नहीं है क्या, या उनको बनाए रखकर हमें और भी कुछ नई चीज़ें पानी। तो जब हम अपनी भाषा को अपनाते हैं तो हम अपना खुद रहते हुए जो कुछ हमारी विरासत है उसको बनाए रखते हुए हम नया निर्माण करते हैं, ये फर्क है। नहीं तो अगर नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, मैंने पहले कहा अंग्रेजी में बोलती थी हिंदी में, क्योंकि क्लोन का हिंदी में मुझे मालूम नहीं है। तो हमारे सामने विकल्प क्या, विकल्प क्या है, चॉइस। जो कुछ हमें पहले से मिला हुआ है हमारी विरासत, वो हमारी रईसी है, अमीरी है, हमारी समृद्धि है, हमारी मराठी और हिंदी, हम उसको बनाए रखेंगे और ज्यादा भी उसमें और चीजें जोड़ेंगे, या इसको हटा के हम इसको कुछ और अपने लेंगे, तो फिर ये तो हम इसके तो रहेंगे नहीं। और हम कितनी भी अंग्रेजी बोले हम अंग्रेज तो नहीं हो जाएंगे। आप जब विदेश जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, चाहे आप सिलिकॉन वैली चले जाएंगे, तो वहां भी आपको अलग ही निकाल से देखा जाएगा, क्योंकि हमारी खाल का रंग तो नहीं बदलेगा, हम रहेंगे भारतीय। तो आप जानते हैं रेशनशिप कितना है, अभी इतने साल के साथ रहने के बावजूद अभी भी भारत वालों को विदेशों में पीटा क्यों जा रहा है, पीटा जा रहा है, अपने पढ़ते हैं ब्लैक्स को पीटा जा रहा है और लोगों को पीटा जा रहा है, क्योंकि नस्लवाद रेशनलिज्म अभी जिंदा है। और जब आप बाहर जाएंगे तो उनमें आपको आएगा कि आपको कहीं कुछ जगह पर इज्जत मिलेगी भारतीय होने के कारण, लेकिन कुछ जगह इज्जत ही नहीं मिल सकती। तो हमको इज्जत तभी मिलेगी जब हम रहेंगे, वो बनने से हम
उसको इज्जत ठीक जवाब मिला ठीक हाँ बोला। अरे वाह आप लगरा जरा समाधान है रवि सर समय है ना जी। वैसे आप मेरे अलग से बोलने की जरूरत है नहीं अपने काम में इतना मजे में मजा आ रहा है ये ज्यादा अच्छी चीज पूरा समय इसका। सर हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का मान हिंदी बेटा लगभग बन गई थी लेकिन अपने देश का जब संविधान बन रहा था 1947 से 50 के बीच में तो एक संविधान सभा बनी थी जिसमें देश भर से लोग चुने गए थे उन सबको मिलकर उन्होंने दो पौने दो साल में इस देश का संविधान लिखा गया। उससे खूब संविधान सभा में हर देश के हर पहलू पर और विषय पर खूब बहस हुई तो सभी जगह के लोग तो उस समय कुछ लोगों को ऐसा राजनीतिक डर था कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई तो उनकी अपनी जो भाषाएं हैं खासतौर से तमिलनाडु तमिल भाषा के लिए डर था उनको बाकी देश को स्वीकार था तो उनकी अपनी भाषा का विकास कुछ रुकेगा। इस पर बहुत बहस हुई बहुत तीखी बहस हुई लेकिन इस पर समझौता नहीं हो रहा था। एक तरफ हिंदी वाले कुछ ऐसे थे वो कह रहे थे कि साहब नहीं हमें कुछ नहीं सुनना है हमें हिंदी ही चाहिए और संस्कृत मिश्र हिंदी चाहिए वो भी अड़ियल हो गए जिद कहीं अच्छी नहीं होती कट्टरवाद कहीं भी अच्छा नहीं होता। ये दोनों तरफ इतने तीखे कट्टरवादी लोग पैदा हो गए कि फिर एक समझौता करना पड़ा। उसको कई किताबों में कहा गया है द हाफ हार्टेड कॉम्प्रोमाइज बड़ी प्रसिद्ध भारत के संविधान का किताब है उसमें पूरा अध्याय तो राष्ट्रभाषा नहीं था हिंदी को राजभाषा बनाया गया यानी सरकारी काम का ठीक है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रभाषा ना भी बने तो भी अगर वो सबकी भाषा बनती है तो काम हो गया। हर हफ्ते दुनिया की एक भाषा मार जाती है
मर रही है। कुछ तो कहते हैं कि हर 15 दिन में एक भाषा मर रही है, अब कहने लगे हैं कि एक हफ्ते में मर रही है। इतनी तेजी से दुनिया की ये भाषाएं मर रही है। तो जैसे हम मानते हैं कि दुनिया को बनाए रखने के लिए, आपने बायोडाइवर्सिटी शब्द सुना, बायोडाइवर्सिटी यानी क्या, जीवन के जितने अलग अलग रूप हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब दुनिया को बनाए रखने के लिए जरूरी है, उन सबकी एक जगह है, कीमत है। वैसे ही दुनिया में भाषिक विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, वो भी उतनी ही जरूरी है। कुछ विद्वान उसको बायोडाइवर्सिटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो हिंदी या मराठी, आप अगर मातृभाषा आपकी हिंदी है तो हिंदी की बात करते हैं, अगर आपकी मातृभाषा माता पिता की भाषा मराठी है तो मराठी की बात करते हैं। वो विकास में ऐसे मदद करेगी कि आप जब अपनी मातृभाषा में मौलिक सोच कर मौलिक कुछ काम करेंगे, अपनी प्रतिभा लगन को उसमें जोड़कर मेहनत को, तो एक ज्यादा मौलिक चीज पैदा करेंगे आप। अब देखिए जो नोबेल प्राइज है ना, उनको देखिए कि जो ज्यादातर नोबेल प्राइज हैं, जो विज्ञान के मिले हैं, जो साहित्य के मिले हैं, जो तमाम मिले हैं खासतौर से विज्ञान के, वो अपनी अपनी भाषा में रिसर्च शोध करने वाले वैज्ञानिकों को मिले। वो सारे अंग्रेजी वाले लोग नहीं थे। इसराइल छोटा सा देश है, वो विदर्भ के बराबर होगा, पूरा महाराष्ट्र भी नहीं, पर पता नहीं इसराइल, इसराइल को विज्ञान में 16 या 17 नोबेल मिले, भारत को एक भी नहीं। इसराइल की भाषा जो हिब्रू है वो 2000 साल तक मरी रही, मर गई, खत्म हो गई 2000 साल। फिर कुछ लोगों ने, उन लोगों ने तय किया कि नहीं, हमें अपनी भाषा को फिर से करना है, तो हमें उसी में काम करना होगा। आज इसराइल का सब कुछ उसमें होता है, हिब्रू से उन्होंने 17 नोबेल विज्ञान के प्राप्त किए। तो जब मौलिक भाषा में हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, रचते हैं, तो ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा सच्चा है। हम एक पौधा अगर यहाँ पर होता है, जो नासिक का, नासिक के अंगूर जो अच्छे हैं, इतने अच्छे होते हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं क्या? क्योंकि प्रकृति ने नासिक में उन अंगूरों के लिए पूरी पूरा एक तंत्र विकसित किया, एक वातावरण, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की, यहाँ का पानी, यहाँ का विज्ञान की हवा, यहाँ के जलवायु, इन सब को मिलकर यहाँ के अंगूरों की खासियत पैदा की। अंगूर किसी और जगह नहीं हो सकते। तो अगर हम इस भाषा की जमीन में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको यहाँ इसलिए दिया है कि हम इसी भाषा से अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं। और जब हम, हमारा संपूर्ण बौद्धिक विकास होगा, तो हम जो कुछ भी बनाएंगे, नया गढ़ेंगे, रचेंगे, वो विश्व के विकास में सहायक होगा। लेकिन अगर हमारी प्रतिभा कुंठित रहेगी, जो अंग्रेजी करती है, तो हम अपने भारत के और विश्व के विकास में योगदान कम कर पाए। बात करिए, जय हिंद सर। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि हिंदी अगर इतनी महत्वपूर्ण है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त को अपना भाषण अंग्रेजी में क्यों दिया था? बेटा तुमने ऐसा सवाल पूछा है, मैं भी मेरे सामने नेहरू जी बोलते तो मैं उनसे भी नहीं, लेकिन उनका जवाब हमको भी नहीं दिया, हम अंदाज बता सकते। नेहरू जी, उनको पता है कि उनको बचपन में पढ़ने के लिए उनके और अमीर पिता ने कहाँ भेज दिया था पढ़ने? इंग्लैंड। कहाँ पढ़े? वो हैरो में, हैरो वहाँ पे भी रईसों का स्कूल, आज भी हैरो की पढ़ाई वहाँ पे सबको नसीब नहीं होती। एटन, ये एलीट स्कूल आज भी है तभी है। तो उनकी पढ़ाई जो भी हुई, तो उनकी चिंतन पहली भाषा अंग्रेजी बन गई। लेकिन उनकी देशभक्ति बहुत प्रकट थी, उन्होंने जो त्याग किए वो उनका कोई जवाब नहीं है, उनका जो ज्ञान था वो बहुत उच्च
उच्चतम स्तर का था, उन्होंने किताबें लिखी हैं, वो जबरदस्त किताबें। तो एक तरह से शुरुआती मातृभाषा तो उनकी हिंदी थी। मैंने उनका उनकी चिट्ठी लिखी, हाथ की हिंदी में लिखी हुई चिट्ठी उन्होंने अपनी माँ को लिखी थी, और माँ को लिखते थे वो लिखा है प्रिय दिद्दा, वो कश्मीरी कश्मीरी है, माँ को या दिद्दा कहते हैं, प्रिय दिद्दा हिंदी में लिखी हुई बच्चे थे। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अभ्यास इस भाषा का ज़्यादा हो जाता है, वो हमारी पहली भाषा हो जाती है, जैसे आज अंग्रेजी के साथ तो वो चूंकि उनकी चिंतन की भाषा में उनकी सहज अभिव्यक्ति और उच्चतर अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति अंग्रेजी में ज़्यादा होती थी अभ्यास के कारण, इसलिए शायद हमारे। लेकिन जैसा करके उन्होंने देश का और सारी भारतीय भाषा का नुकसान किया, ये तो और गांधी जी जो नेहरू के गुरु थे आजादी के, वो तो हिंदी और मातृभाषा के सबसे प्रबल समर्थक थे। आज 2017 में 2018 में गांधी जी ने हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है और पूरे देश को हिंदी सीखनी चाहिए, ये उन्होंने आज से 99 साल पहले आंदोलन शुरू किया। ठीक, तो कुछ ऐतिहासिक मुद्दे हो जाते हैं हम सबके, लेकिन उसे नेहरू जी